असम और बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए जमियत उलेमा हिंद ने उठाया बड़ा कदम। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात में राज्य के सभी 33 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस बाढ़ से करीब 60 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 125 पहुंच गई है। इस बीच जमियत उलेमा हिंद की एक टीम इस भयानक बाढ़ से प्रभावित आसाम और बिहार के दौरे पर है। जमियत उलेमा हिंद के सेक्रेटरी हजरत मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब की मुसीबत में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं और मुसीबत की इस घड़ी में दिल खोलकर ताउन फरमाया है। जमियत उलेमा हिंद ने पहली किस्त 50 लाख बिहार और आसाम के सैलाब के रिलीफ के लिए जारी किया है और आगे भी जितना हो सकेगा उतना मदद के लिए आगे आते रहेंगे। देखिए वीडियो में और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आसाम बिहार सख्त सैलाब लपेट करके और इस वक्त तकरीबन 60 लाख के करीब लोग बेघर हो चुके हैं। आसाम में 33 जिलों में से 30 जिले पानी में। मैंने आज जिन इलाकों का दौरा किया है वो गोलपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ इलाकों में जिन गुरमाए आसाम के साथियों के साथ कश्ती में बैठ करके ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे पूरा एरिया पानी में तब्दील हो गया है। हमेशा की तरह से इस वक्त भी अपना दस्त काम बढ़ाया है। आपकी साहब वगैरह से तो लगे काम चल रहा है और सरे दस पहली किस्त जमीन गुरमा ने बिहार और आसाम के सैलाब के लिए 50 लाख रुपया रिलीफ के लिए जारी किया है। मेरी इंतहाई दर्दमंदाना अपील है आप रात से जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे तो आप रात के जरिए जहाँ तक पहुँच सके कि मुसीबत की इस घड़ी में दिल खोल करके दस काम फरमाए। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। सलाम अलैकुम।